अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। पिछले संडे जमात इस्लामी मरकज़ औरंगाबाद में ख़वातीन के लिए एक इंडस्ट्रियल वर्कशॉप रखा गया था, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई। मसाले बताए गए, फिनेल बताया गया, शैम्पू के बारे में बताया गया। आज हम फिनेल कैसा बनाते वो देखेंगे। फरमाया कि जाना तुम्हें कसमों की कसर से बचो, कसम खा के अपना माल मत बेचो, और ये चीज वक्ती तौर पर तो तिजारत को फरोग देती है लेकिन आखिरकार बरकत खत्म कर दी जाती है। यहाँ पर हम लोग जब हम भी इस मैदान में उतरे हैं, सुबह से हम सुन रहे हैं कि जो भी काम हमको करना है वो ईमानदारी के साथ करना है, क्योंकि अगर हम 10,000 रुपये कमाए ईमानदारी से और 1,00,000 रुपये का फायदा हो रहा नाजायज तरीके से, तो वो पैसा कभी भी बरकत नहीं देता, बल्कि वो पैसा दूसरे कामों में निकल जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर 1,00,000 कमाए, 40,000 बीमारी में चले गए, 20,000 नुकसान हो गया और 30,000 से दूसरा कुछ और नुकसान, तो यहाँ पर मिला कितना हमको? 10 ही मिला, क्योंकि जिसकी जितनी किस्मत है उतना ही उसको मिलता है। तो हमारे पास कसब हलाल पाक और हलाल कमाई कमाना हमारे लिए फर्ज है। तो हम जब भी इस मैदान में उतरे काम करेंगे इंशाल्लाह, तो हम ईमानदारी से इस फरीजे को अंजाम देंगे। इसके लिए क्या लगेगा अपने को? आधा लीटर फाइन ऑयल, फाइन ऑयल लगेगा आधा लीटर। दिस इज फाइन ऑयल, ये मेरे मैडम के पास नोट छोड़े हैं फाइन ऑयल, और ये जो मैं आज बता रही हूँ आपको उसमें 10 लीटर फिनाइल बनेगा, 10 लीटर, 10 लीटर। ये देखिए दिस इज हाफ लीटर, 500 ml आपका है फाइन ऑयल। तो ये ना पहले अपने को ऐसे झाड़ो झाड़ो से मिलता था, ये पेड़ से मिलता था ये फाइन ऑयल, पर अभी ये सिंथेटिक है, यानी कि नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। और उसके लिए जो भी अपन मक्का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सूखा होना चाहिए। हाँ, तो देखिए उसमें उसमें तीन ही चीजें लगेंगी आपको, एक तो फाइन ऑयल, दूसरा ये सल्फोनेटेड कैस्टर ऑयल बोलते हैं उसको, या तो टी आर ओ, केमिकल नेम है उसका टी आर ओ, टर्की रेड ऑयल, रेड दिखता है ना, तो ये आधा नहीं उससे आधा, यानी कि 250 ml है। मैडम के पास मैंने नोट छोड़े हैं ना, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एक मग्गा लिया सूखा वाला है, सूखा है, और उसमें हमने फाइन ऑयल ऐड किया है। हमने लिया है आधा लीटर फाइन ऑयल, उसमें 250 ml टी आर ओ टर्की रेड ऑयल, या उसको सल्फोनेटेड कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं। तो पहले क्या किया हमने, सूखा एक मक्का लिया, उसमें फाइन ऑयल लिया, और उसमें हमने टी आर ओ जो है वो ऑयल जो उसके आधा होता है वो मिला है, और अभी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं उसको। कम से कम 5 मिनट मिक्स करना है, कम से कम 5 मिनट नहीं होना चाहिए, और उसमें 20 1 लीटर को 20 ml अपने को ये जो अपना मिक्सर बना हुआ है वो डालने का है। आप इसको कैसे रहता है कि गाढ़ा है पतला है कोई क्या बोलता है अपने को कि तो से मिल दो पानी और बढ़ा दो, है ना, जैसे कि दूध वाले भैया करते हैं वैसे ही है। ठीक है ना, डिफिकल्ट तो नहीं है।
ये अपने खाने के कलर होते हैं ना, एकदम चने की दाल होती है ना अपनी, एक उतना ही डालने का, बाद में डाल पता है आपको, अगर डाल चाहिए तो डाल भी बना। पहले ऐसे बना लेने का, बाद में कलर डालने का, और कभी भी उल्टा नहीं करना, यानी कि पहले ये लिया ऊपर से पानी डाला तो बिलेर बनेगा नहीं, तो बनेगा नहीं ना, उल्टा कभी नहीं करना, पहले बॉटल में पानी देना है, देखो कलर वाला भी बन गया, आप बस उसमें कलर ऐड किए क्या? हाँ इतना सा कलर। और अगर सेंटेड करना चाहते हो तो सेंटेड इधर ये बन गया ना ऐसे, कि इसमें सिट्रोनिला नाम का एक सेंट आता है, सिट्रोनिला, जिनको विनेगर का स्मेल पसंद नहीं है तो सिट्रोनिला, ये एक नेचुरल तो उससे मच्छर भी कम होते जाता। और आप यकीन नहीं करोगे, इससे अगर आप पक्षी वगैरह पहुंचते हो तो कभी भी मच्छर मक्खी कुछ नहीं, कॉकरोचेस वगैरह सब हट जाते। जैसे कि आपका बिजनेस अगर बहुत बढ़ गया तो इसके लिए एक आप लोगों के पास हैंड मिक्सर है ना, तो हैंड मिक्सर के जैसा एक मिक्सर भी था, उससे भी आप अच्छे से मिक्स कर सकते। मिक्सिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर मिक्सिंग अच्छा नहीं हुआ तो इसके ऊपर ऑयल आ सकता है, ऑयल। वैसे अगर कभी कभी हो गया अपना गलती से तो आप क्या करना, थोड़ा सा निरमा पाउडर, इतना सा ही आधा चम्मच निरमा पाउडर के बॉटल में ऐड करके मिक्स कर, तो वो ठीक हो जाएगा, कुछ डिफिकल्टी नहीं होती। अगर आपका ऊपर ऑयल आ गया इसी तरह से, आपका अगर मिक्सिंग अच्छा नहीं हुआ तो आ सकता है ऑयल ऊपर, जो भी डिटर्जेंट एरियल जो भी डिटर्जेंट पाउडर है इतना सा आधा चम्मच डाल। और अगर आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार करना है तो एक पाव चम्मच उसमें एप्सम सॉल्ट डाल, एप्सम सॉल्ट नहीं मिला तो अपना सादा सॉल्ट भी चलेगा। कोई बोलते है कि हर्षी पहुंचते टाइम अगर आप नमक ऐड करोगे तो अच्छा रहता है, तो आप इसमें भी नमक ऐड, मैंने तो एप्सम सॉल्ट लाया है, पर आपको अगर एप्सम सॉल्ट नहीं मिल रहा है, और आजकल क्या हो गया है कुछ भी डुप्लीकेट मिल रहा है, तो अपना घर का ही सॉल्ट यूज करो, इतना सा ठीक है, ज्यादा नहीं। लेमन, लेमन का एसेंस आता है, लेमन एसेंस, वो मिलता है सब मेरे पास। आपको जो मैंने अभी सर का नंबर दिया, तो कड़ा कड़ा ऑफिस के पास है, अच्छा